बात करते हैं चक्कर आने की। चक्कर जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं कि हमें चक्कर आ गया, सब कुछ घूम रहा है या हम घूम रहे हैं और साथ में उल्टी आती है और ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म हो गई। चक्कर को हम लोग अंग्रेजी में मेडिकल टर्म वर्टाइगो यूज करते हैं। वर्टाइगो वर्ड मेडिकल टर्म है किसी भी डिजीनेस का, किसी भी चक्कर का। अब ये चक्कर का कारण क्या होता है? चक्कर के मुख्य कारण होते हैं इम्बैलेंस। कान का अंदरूनी हिस्से में इम्बैलेंस होना चक्कर का मुख्य कारण है। यह चक्कर दिमाग की वजह से आ सकता है और बहुत कम केसेस में यह सर्वाइकल होता है या गर्दन की वजह से आता है, लेकिन उसमें गर्दन में दर्द होना आवश्यक है। तो एक ये मिथ है या एक गलत धारणा है कि चक्कर हमेशा सर्वाइकल से आता है। ये कान के अंदरूनी हिस्से में गड़बड़ की वजह से आता है और इसके लिए दवाइयां बढ़िया है, प्लस कुछ टेस्ट हैं जैसे वीडियो निस्टैग्मोग्राफी VNG जिसे कहते हैं, जिनसे ये पता चल जाएगा कि इसका कारण क्या है और फिर उसके हिसाब से एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, कुछ मेनूवर्स होते हैं जिनसे ये पूर्णतः ठीक हो सकता है। तो हमें ये समझना है कि अगर हमें चक्कर आ रहा है तो हमें किसी भी नाक कान गला सेंटर में जो वर्टाइगो टेस्ट से जिनके पास उपलब्ध हो वहाँ पहुँचना है, टेस्ट कराना है और फिर हमें जो भी एक्सरसाइजेस बताई जाए वो हमें करनी है और ये हम चक्कर से बिल्कुल फ्री हो सकते हैं। धन्यवाद।